IPL 2019 हरफन मौला आंद्रे रसेल ऑनरी रसेल के दोहरे प्रदर्शन 17 गेंद पर 48 रन और 2 विकेट तथा नीतीश राणा 63 व रॉबिन उथप्पा नबाद 67 रन के अर्धशतक की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज यहां लगभग एक तरफा मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब कोलकाता नाइट राइडर्स 20 किंग्स पंजाब को 28 रन से हरा दिया। अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स पर केकेआर ने चैंपियन की तरह प्रदर्शन किया। मैच में उसने राणा उथप्पा और रसेल की तूफानी पारियों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 218 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर किंग्स 11 पंजाब को निर्धारित ओवरों में 4 विकेट पर 190 रन तक सीमित कर दिया। किंग्स 11 के लिए मयंक अग्रवाल ने 58 और डेविड मिलर ने नबाद 59 रन बनाए लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। राणा और उथप्पा के अर्धशतक के बावजूद मैच के हीरो केकेआर के आंद्रे रसेल रहे। रसेल ने पहले 17 गेंद पर 3 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 48 रन की जबरदस्त पारी खेली और फिर किंग्स 11 के सबसे खतरनाक खिलाड़ी क्रिस गेल व सरफराज अहमद के विकेट झटके कोलकाता की जहां यह लगातार दूसरी जीत रही, वहीं किंग्स 11 पंजाब की पहली हार। मैच में किंग्स 11 के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने टॉस जीतकर केकेआर को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया था। आंद्रे रसेल मैन ऑफ द मैच रहे।